एक बात मैं साफ कर दूं, मेरी सियासी जिंदगी शुरू करने के बाद आज तक आने वाले कल ना मैं किसी के सामने झुका हूं, ना मेरे कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। मेरे सामने अगर कोई चीज हैसियत है तो इस कौम का विकार है, इस कौम की इज्जत है। लेकिन मैं किसी की मोहब्बत के लिए इस कौम के विकार को और इसके अना को, चाहे मिनिस्ट्री मिले चाहे राज्यसभा मिले, ये ठोकर मरता हूँ। कौम को यह कह दूँ, एक बात याद रख ले, हम सियासत कर रहे हैं हुकूक लिबात का एक हिस्सा समझ के। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज सारे हिंदुस्तान में खुसूसन जनता दल के कुछ लीडर्स अमित शाह जी से मिलने के बाद एक हलचल पैदा हुई है और पूरे मुस्लिम तबके में एक बात को फैलाई जा रही है कि सीएम इब्राहिम साहब इससे राजी हैं। एक बात मैं साफ कर दूं, मेरी सियासी जिंदगी शुरू करने के बाद आज तक आने वाले कल ना मैं किसी के सामने झुका हूं, ना मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। इंसान की जिंदगी कायम नहीं है, इख्तदार भी कोई कायम नहीं है। ये एक साल हिंदुस्तान में चला के देखा हूं, चलाया है मैंने। आज मिनिस्ट्री, MLC, राज्यसभा मेंबर, मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। मेरे सामने अगर कोई चीज हैसियत है तो इस कौम का विकार है, इस कौम की इज्जत है। कौम जानती है मैं क्या हूं। पिछले बार असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मैं चाहता था कि तीसरी ताकत कर्नाटक में रहे, जब भी मुसलमान की इज्जत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा मुझे कहते थे तीसरी पार्टी एक रहना जरूरी है, अगर तीसरी पार्टी नहीं रही तो मुसलमान की कोई अहमियत नहीं रहती। आज आप देख रहे हैं हमें मजबूर समझ रहे हैं, हम मजबूर नहीं है। मुतअद्दा माज और उलमाए कराम से भी मीटिंग करूंगा मैं, जमात इस्लामी वालों से भी एक मीटिंग कर चुका हूं। आगे का लायक कदम क्या उठाना है हमको आज की हालत में, तमाम की मुत्तफिका राय लेके फिर आगे का फैसला इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ जो इन्होंने बातचीत की है बिना मुझे बताए, खुद कुमार स्वामी ने मान लिए हाँ हम कुछ चीज उनको नहीं बताए, हमको बोले नहीं गए। मैं बोला इसे जरूरत क्या थी, देवेगौड़ा जी इतने बड़े आदमी है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके पास आती है मिलने के लिए, तो आज इनको वहां दिल्ली जाने की जरूरत क्या थी। ठीक, कुमार स्वामी मेरे छोटे भाई हैं, आज भी वही मोहब्बत उनसे है, लेकिन मैं किसी की मोहब्बत के लिए इस कौम के विकार को और इसके अना को, चाहे मिनिस्ट्री मिले चाहे राज्यसभा मिले, ये ठोकर मरता हूं। हम सियासत कर रहे हैं हुकूक लिबात का एक हिस्सा समझ के। आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। कश्मीर का इलेक्शन मैं खुद कराया हूं, गवर्नरों को अपॉइंट करने के फैसले में मैं शामिल हूं। तो इसलिए कोई लोग बाहर अगर ये कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम साहब मायूस हैं, सीएम इब्राहिम साहब बेजार है, ना सवाल ही नहीं, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। वो मुसब्बिल असबाब है, असबाब को पैदा करता है वो, असबाब को तलाश करना हमारा काम है। तो मैं असबाब की तलाश कर रहा हूं। 16 तारीख को आप लोगों के जरिए
तो मुझे चाहने वाले लीडर्स हैं हर स्टेट के अंदर, हर जिले में, वो तमाम तक आप इस खबर को पहुंचाइए और उनको 16 तारीख को आए। 4 महीने भी गवर्नमेंट बनी, मायूस है? आप खुश हैं? कोई काम हुआ इस कौम का? नहीं। ये कह रहे नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन तक खामोश रहो। हुबली के अंदर क्या हुआ? इसलिए मैं ये तमाम चीजें जो है डिस्कस करने के लिए तैयार जब होगा, जब अपने लोगों से मिलूं, मुतादा मास अच्छे लोग हैं, उलमाए कराम है, चंद लोग अच्छे हैं, चंद लोग ऐसे वैसे हैं, फिर भी हमारे उलमा है, उनको इज्जत देना हमारा काम है। मैं हमेशा सर झुका के चला हूँ, तकबर और फख्र से कभी मैं चला नहीं है, तकबर दूर दूर तक मेरे पास नहीं है। तो इसलिए आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो दूर करें। हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, 16 तारीख के मीटिंग में 4 सब्जेक्ट रखे हैं हम। बीजेपी के साथ जो ये लोग बातचीत करके आए हैं, क्या यह सही है? आपकी राय क्या है? अगर ये सही नहीं है तो अगला कदम क्या उठाना है? नीतीश कुमार से भी, जी से भी लोग भी बात कर रहे हैं, शरद पवार जी भी मुझे खुद मुझसे बात किए, वो कल आपके लोग भी खुद बात किए मुझसे, पूरे ऑप्शंस ओपन है। कांग्रेस के लीडर्स भी बातचीत कर रहे हैं, ओपन है। हम को यह कह दूं, एक बात याद रख लें, मैं कभी भी 4 साल की एमएलसी रिजिग्नेशन दे के निकला हूं, मेंबरशिप छोड़ने कौन भी तैयार नहीं। अब मेंबरशिप हम बांट रहे हैं खबरस्तान की आज कमेटी के, वक्फ बोर्ड के। आप ये हुकूमत का हिस्सा हैं, 1,30,00,000 तुम्हारी आबादी है, जिंदगी 6 दिन 7 दिन खत्म हो जाती, खबर की जिंदगी दात क़यामत तक रहने वाली है, उस जिंदगी की तैयारी में है हम लोग। सियासत हुकूक और लिबात का एक हिस्सा है, अल्लाह को डर के, अल्लाह को हाजिर नाजर रख के मैं काम कर रहा हूं। ये बात नहीं कि आवाम का खौफ नहीं, मुझे सबसे पहले अल्लाह का खौफ है। जब वो खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में है, किसी का खौफ दिल में नहीं रहता। तो इसलिए मैं 16 तारीख को तमाम लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वो आए, एक दिन हमारे साथ गुजारे, अपनी राय दें। ये राय लेने के बाद कुमार स्वामी देवगौड़ा जी से मिलूंगा, उनको कहूंगा राय ये है, आप क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा मुस्तकबिल सुनाएंगे। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक, 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।